हेलो एवरीवन, तो आज हम बनाने वाले हैं घेवर। जी हाँ, तो इससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन पे और सब्सक्राइब पे क्लिक करके सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि मेरी नोटिफिकेशंस हर वीडियो की आपको मिल सके। अब सबसे पहले हमें लेना है घी। 3 चम्मच घी लेंगे, ठीक है। मैं 2 तरीके से आपको बताऊँगी किस तरीके से आप ईजिली बना सकते हो। फ़िलहाल हम मिक्सी में बनाते हैं। तो ग्राइंडर में आपको 3 चम्मच घी लेना है और 4-5 टुकड़े बर्फ़ के लेने हैं, ठीक है। बर्फ़ आपको इसमें डाल देनी है। तो मैंने बर्फ़ के टुकड़े ले लिए और अब इसमें डाल दिया। और अब इसको हम अच्छे से, जब तक ये बिल्कुल प्रॉपर ग्राइंड नहीं हो जाता तब तक इसको पीसेंगे। देखिए ये ऐसा हो गया है, लेकिन अभी ये कम है इसलिए और एक बार और मैं पीसूंगी। उसके बाद मैं इसमें दूध डालूंगी 1/4 कप, ठीक है। पूरी जो भी इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी वो सब मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अब मैंने 1 कप मैदा लिया है ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मतलब एक मेज़रमेंट का पूरा ध्यान रखिएगा। 1 कप मैदा को पूरा इकट्ठा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और ठंडा पानी का बहुत यूज़ होने वाला है, तो बीच बीच में ठंडा पानी डालते जाएं और मिक्सी को चलाते जाएं। तो ठंडा पानी अलग से फ्रिज में निकाल के पहले ही रख लीजिएगा। चिल्ड पानी चाहिए एकदम। बीच बीच में चलाते जाएं, बीच बीच में ठंडा पानी डालते जाइएगा। कंसिस्टेंसी बिल्कुल फ्लोई होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम लिक्विडी वाली। मेरा सारा मैदा मैंने सारी यूज़ कर ली है। अब इसमें आपका मन हो तो बेसन डालिए, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना बेसन के भी बन जाएगा, ठीक है। बेसन से कलर आ जाता है बस। ये मैंने दूसरा तरीका अपनाया है जो मैंने आपको दिखाया है, सेम वही प्रोसेस जो कि मैंने हाथ से किया है। मतलब 3 चम्मच घी लेकर 4-5 बर्फ़ को अच्छे से फेंटा ऐसे हाथ से, सेम मैदा मिलाया, पानी मिलाया और ये कंसिस्टेंसी हमें मिल चुकी है। यही चाहिए, ना इससे ज़्यादा गाढ़ा चाहिए ना इससे ज़्यादा पतला, ठीक है। अब या तो आप इसको बोतल में फिल करके डाल सकते हैं, या फिर छोटी सी कोई भी चम्मच हो आपके पास, चमचा हो, तो उससे आप फिल करके थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, जैसे मैंने आगे दिखाया है सिर्फ वैसा ही, ठीक है। तो अब ये मैंने 1/4 बॉयल किया है। अब जो अपना मैंने एक भगोना लिया है छोटा सा, उसको आधा ही भरिएगा, पूरा नहीं भरना है, वरना ये जो घी है या फिर रिफाइंड जो आप ले रहे हो ऊपर छिड़क के आ जाएगा। आँच का ध्यान रखना है। देखिए मैंने डाला था जाली, कितनी ही सुंदर बनी है, लेकिन ये जल जाएगी बहुत जल्दी। जैसे मैं डाल रही हूँ, 1 चमचे में 2 से 3 बार डाल सकते हो आप, थोड़ा थोड़ा डालना, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, ठीक है। साइड से, कॉर्नर से डालिए, ऊपर से डालिए, बीच में होल करते रहिए, जो जगह दिख रही है आपको, जैसे बुलबुले अब ख़त्म हो गए, अब डाल सकते हो आप, ठीक है। छोटा सा चम्मच लीजिए, अब डाल दीजिए। तो तो इसमें ये जो काले काला आता जा रहा है ना, ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि मेरी जो गैस थी वो बहुत तेज़ थी, तो मैंने अभी धीरे कर दी। आपको धीमे और तेज़ का ध्यान रखना पड़ेगा खुद से, ठीक है। ये अब तैयार हो चुका है। और इम्पोर्टेंट, एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। अगर आपका घी और दूध की क्वांटिटी सही नहीं है तो आपका ये जो घेवर है नीचे चिपक जाएगा। जी हाँ, मैंने एक बार और ट्राई किया था, इससे पहले जो बनाया था उससे पहले वो नीचे चिपक गया था। तो फिर मैंने दोबारा ये घेवर बनाया और जिसकी क्वांटिटी जो मैंने आपको मेज़रमेंट बताया वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब इसमें हम ऊपर से चाशनी, गरम गरम चाशनी डालिएगा, ठीक है। थोड़ी देर चाशनी को रहने दीजिएगा, ऊपर से चाशनी अलग से हमने बना ली थी पहले ही। 1 चम्मच 1 कप चीनी और 1/2 कप पानी से। और ये मैंने तैयार करके रखा था इसका ऊपर डालने के लिए रबड़ी, मैंने बहुत गाढ़ी ली है। आप चाहो तो थोड़ी पतली भी ले सकते हो, बट इसमें गाढ़ी ही अच्छी लगती है, बिलीव कीजिए, इतनी गाढ़ी बेस्ट है इसके लिए, घेवर के लिए।
तो जो मैंने आपको टिप दिया वो ज़रूर फॉलो कीजिए, जो ऑयल है उसको कम रखिएगा, घी 3 चम्मच, मैदा 1 कप और मिल्क की क्वांटिटी 1/4 कप ही लीजिए।